गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। देखिए, आज हम एट्थ क्लास के अंदर वीडियो नंबर 16 करेंगे और ये हमारे लैंग्वेज क्वेश्चंस हैं, तो आप इन्हें ध्यान से पढ़ेंगे क्योंकि जो लैंग्वेज क्वेश्चंस होते हैं बेटा, जब तक आप इक्वेशन सही नहीं बनाएंगे तब तक आप क्वेश्चन जो है ना उसे सही नहीं कर सकते हैं। तो आप इन्हें धीरे धीरे पढ़ें, दो तीन बार पढ़ें अच्छे से और उसके बाद इन क्वेश्चंस को करना आप स्टार्ट करें। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। पहले हम इजी वाले करेंगे, देन हम टफ पे आएंगे। द पैरामीटर ऑफ ए रेक्टेंगल इज 13 सेंटीमीटर एंड विड्थ इतना है, लेंथ बताइए। आपसे कहा है, देखिए आपको पैरामीटर दिया है, आपको विड्थ दी है, लेंथ बतानी है। हम मान लेते हैं लेंथ कितनी है बेटा, एक्स, ठीक है। अब आपको पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल पता होना चाहिए, उसका फॉर्मूला क्या होता है, 2 × लेंथ प्लस विड्थ। पैरामीटर की जगह पैरामीटर रखिए 13, 2 की जगह 2 है ही, लेंथ की जगह आपको एक्स रखना है और विड्थ की जगह आपको विड्थ रख देनी है। इसे आप मिक्स्ड फ्रैक्शन से सिंपल फ्रैक्शन में लाइए, 11/4 हो जाएगा। अभी आप 13 को LHS में रखिए, RHS में रखिए, ये आप पे डिपेंड करता है। हम x निकालने के लिए इसे ज़्यादातर हम RHS में रख लेते हैं, क्लियर। तो इस तरीके का ये आपका इक्वेशन यहाँ बन गया है। इक्वेशन बनने के बाद आप यहाँ देखिए बेटा कि जो ब्रैकेट के बाहर 2 था वो मल्टीप्लाई में था, तो हम यहाँ डिवाइड में ले आए। अब उसके बाद में आप देखिए 11/4 है, ये प्लस में है तो ये भी इधर ले आइए, आप माइनस में हो जाएगा। माइनस में हो जाने के बाद आप इनका एलसीएम लेके इसे सॉल्व जब करेंगे तो एक्स की वैल्यू क्या निकल के आएगी, 15/4 निकल के आएगी, जिसे आप मिक्स्ड फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं। तो इस तरह से आप लेंथ यहाँ पर निकाल सकते हैं, ठीक है। अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 22 या एग्जाम्पल नंबर 22 क्या कह रहा है आपसे क्वेश्चन में। बंसी हैज़ 3 times एज मैनी 2 rupee coins एज ही हैव 5 rupee coins। इफ़ ही हैज़ इन ऑल अ सम ऑफ 77, हाउ मैनी कॉइन्स ऑफ ईच डिनोमिनेशन डज ही हैव। देखिए क्वेश्चन आप ध्यान से पढ़िए, धीरे पढ़िए, और क्योंकि आपने अगर इक्वेशंस गलत कर दी तो बहुत इसमें क्वेश्चन पूरा गलत हो जाएगा। ध्यान से पढ़िए, देखिए बंसी है, उसके पास कुछ सिक्के हैं और उन सिक्कों के अगर रुपीज़ में देखा जाए तो कितने रुपीज़ हैं, टोटल 77 रुपीज़ है। कुछ सिक्के हैं, सिक्कों का नंबर हमें बताया नहीं है कितने सिक्के हैं, पर हमें एक बात ये बताई है उसने कि एक तो 2 rupee सिक्के हैं, 2 rupee के सिक्के हैं, एक 5 rupee कॉइन है यानी 5 rupee के सिक्के हैं, और ये भी हमें कहा है कि 2 rupee के सिक्के जो है ना वो 5 rupee के सिक्कों से 3 times यानी 3 गुना है, यानी कि 5 rupee के सिक्के हैं वो कम हैं और 2 rupee के सिक्के हैं जो ज़्यादा हैं, ठीक है। अच्छा, आप एक चीज़ और यहाँ ध्यान रखिए बेटा कि देखिए 5 रुपये का एक सिक्का है, ठीक है, लेकिन रुपीज़ कितने हैं, 5 rupees है पूरे, है ना। 5 rupee की अगर 2 coin है तो रुपीज़ कितने हुए, 10, यानी रुपीज़ अलग हैं और नंबर ऑफ कॉइन्स अलग है। हम यहाँ पे क्या मान लेते हैं कि 5 rupee coin मान लिया हमने x है, 5 rupee coin कितने हैं, x हैं, तो 2 rupee coin कितने हो जाएंगे, 3x, क्योंकि 5 रुपये के सिक्कों से 3 गुना ज़्यादा है हमारे पास 2 रुपये के सिक्के, तो अगर ये x है तो ये कितने हो गए, 3x हो गए। तो देखिए जब एक सिक्का है 5 रुपये का तो रुपये कितने हैं, 5, इसी तरह से जब x सिक्के हैं तो रुपये कितने बनेंगे, 5x, तो 5 रुपये के सिक्कों से रुपये कितने हैं, 5x, और 2 रुपये के सिक्कों से रुपये कितने बनेंगे, 3x को 2 से मल्टीप्लाई कीजिए यानी 6x। इसका मतलब जो आपके पास टोटल रुपीज़ बनेंगे वो 5x प्लस 6x यानी कि 11x बनेंगे आपके पास टोटल रुपीज़। और हमें क्वेश्चन में भी कहा है क्या कि टोटल रुपीज़ 77 है, तो देखिए ये भी टोटल रुपीज़ है और 11x भी टोटल रुपीज़ है, यानी ये दोनों आपस में इक्वल होने चाहिए। तो यहाँ से आप x की वैल्यू निकालिए, 11 डिवाइड में जाएगा और आंसर आ जाएगा 7। 7 आपने किसको माना था, किसको लेट किया था, 7 आपने 5 rupee coins को, यानी कि 5 रुपये के जो सिक्के हैं वो कितने हैं बेटा, 7, और 2 रुपये के जो सिक्के हैं वो कितने हो जाएंगे, 3x, 3 से मल्टीप्लाई कीजिए x की वैल्यू 7 को, तो 7 × 3 = 21, तो यहाँ पर 21 सिक्के हो जाएंगे 2 रुपये के, क्लियर है। अब हम एग्ज़ाम्पल नंबर 23 देखते हैं। देखिए एग्ज़ाम्पल नंबर 23 में क्या है, क्या कह रहा है आपसे, द डिफरेंस बिटवीन टू होल नंबर्स, द डिफरेंस बिटवीन टू होल नंबर्स इज 66, द रेशो ऑफ द टू नंबर इज 2:5,
व्हाट आर द टू नंबर्स, ठीक है। यहाँ आपसे कहा है कि भाई दो होल नंबर्स हैं, उन दोनों के बीच का डिफरेंस यानी कि सब्ट्रैक्शन अगर उनका करें तो कितना आएगा, 66 आएगा। और उन दोनों का रेशो आपको क्या दिया है, 2:5 दिया है। और आपसे कहा है कि बताइए दोनों नंबर। देखिए रेशो वाले जो क्वेश्चन होते हैं बेटा वो बहुत ही ईजी क्वेश्चन होते हैं, आपको क्या करना है उनका सिर्फ आपको रेशो जो है ना उसमें एक्स लगा देना है, ठीक है। तो यहाँ पर 2 और 5 रेशो में है तो आप मान लीजिए एक नंबर 2x है और दूसरा नंबर 5x है। अब आपसे क्या कह रहा है कि इन दोनों के बीच का डिफरेंस 66 के बराबर है, तो आप भी निकाल दीजिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। दोनों के बीच का डिफरेंस 5x में से 2x लेस कीजिए, डिफरेंस आ गया, वो डिफरेंस कितने के बराबर होना चाहिए, 66 के बराबर होना चाहिए, यानी कि 3x बराबर 66, यानी x इज इक्वल्स टू 3 से डिवाइड कर दीजिए, कितना आ जाएगा 22। एक्स आ गया आपका 22, यानी कि जो 2x है वो बता दीजिए कितना आएगा, 2x यानी कि मतलब कि 2 मल्टीप्लाई में x की वैल्यू 22 तो 44, और 5x क्या हो जाएगा, 5 × 22 यानी 110। और अब आप इन दोनों के बीच का डिफरेंस भी निकालेंगे तो कितना आएगा, 66 आएगा। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं, क्लियर। नेक्स्ट देखिए बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारे लिए, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, ट्रिकी एग्जाम्पल है, ठीक है। देवांशी या देवेशी हैज़ अ टोटल ऑफ 590 एज करेंसी नोट्स इन डिनोमिनेशन ऑफ 50, 20 and 10 rupee नोट, यानी कि जो देवेशी है उसके पास 50 रुपये के, 20 रुपये के और 10 रुपये के नोट हैं, और इन तीनों को नोटों को मिला के जो रुपए बन रहे हैं उसके पास वो कितने हैं, 590। अब आपसे कहा है द रेशो ऑफ द नंबर ऑफ 50 रुपी नोट एंड 20 रुपी नोट इज 3:5, यानी कि 50 और 20 रुपये के जो नोट हैं उनका जो अनुपात है वो कितना है, 3:5, यानी अगर 3 नोट 50 रुपये के हैं तो 5 नोट 20 रुपये के, इस तरह से हैं। जबकि उसके टोटल नोट कितने हैं, 25 नोट हैं। आपसे कहा है कि बताओ हर नोट जो है, मतलब हर रुपए का नोट कितने कितने हैं, 50 रुपये के कितने नोट हैं, 10 रुपये के कितने नोट हैं, 20 रुपये के कितने नोट हैं। आपसे देखो बेटा यहाँ रेशो दिया है 50 और 20 रुपये के नोटों का, मैंने आपसे कहा जब भी आपको रेशो दे इसे पकड़ लो और एक्स लगा लो। आप क्या मान लो यहाँ पर 3x तो कौन है, 50 रुपी नोट है, और 5x कौन है, 20 रुपये के नोट है, और टोटल नोट आपको पता है कितने हैं, 25 है, तो बच गए क्या 10 रुपये के नोट बच गए, भाई ये कितने हैं। तो देखिए टोटल 25 नोट में से अगर आप 20 रुपए वाले और 50 रुपए वाले नोटों को घटा देंगे तो बचे कुछ नोट कितने के होंगे, 10 के। तो यानी 25 - 8x ये क्या है, 10 रुपए के नोट हैं। अब जैसे मैंने पहले वाले एग्जांपल में बताया वही चीज़ मैं आपको बता रही हूँ कि नोट एक है 50 का पर रुपए 50 हैं, वो इसी तरह से नोट तो 3x है पर रुपीज़ कितने होंगे, 50 से मल्टीप्लाई करने के बाद यानी 150 रुपीज़ होंगे एक्स के साथ। 20 नोट है 5x नोट है, रुपए कितने हो जाएंगे, 100x। इसी तरह से 10 रुपए के नोट कितने हैं बेटा, 25 - 8x गुणा कर दीजिए 10 से तो रुपीज़ कितने हो जाएंगे, 250 - 80, यानी ये रुपीज़, ये रुपीज़, ये रुपीज़, ये 50 वाले, ये 20 और ये 10, ये रुपीज़ हो गए। आपसे क्वेश्चन में कहा है कि टोटल रुपए कितने हैं, 590 है, टोटल रुपीज़ 590, तो इनको भी टोटल कर दीजिए तो 590 के बराबर आना चाहिए। करिए ज़रा टोटल 150, 100, 150 - 80, इनका आप एडिशन जब करेंगे तो एक्स एक्स की वैल्यू एक साथ जुड़ेंगी, 150, 100 ऐड किया 250 हुआ और उसमें से 80 को माइनस कर दीजिए तो क्या आ गया, 170 और यहाँ पर 250, ठीक है। तो ये आपकी बन गई यहाँ पर इक्वेशन, क्योंकि 590 के इक्वल लाए हैं आप इसे। अब आपको यहाँ एक्स की वैल्यू निकालनी है तो 250 पहले मान ले जाइए, माइनस का हो जाएगा, 340 आ गया। अब 170 है, 170 को 170 नीचे लेके जाएंगे, डिवाइड में हो जाएगा तो 2 आ जाएगा आंसर। x इज इक्वल्स टू 2, इसका मतलब 50 रुपये के नोट कितने थे, 3x, ठीक है। 3x का मतलब कितना हो गया, 3 × 2 यानी कि 6, यानी 6 नोट तो 50 रुपये के, 20 रुपये के हो जाएंगे 10 नोट और 10 रुपये के कितने हो जाएंगे बेटा यहाँ पर, 9 नोट्स हो जाएंगे, क्लियर है। ये इस तरह से आपको यहाँ पर क्वेश्चन करना है। इसके बाद हम नेक्स्ट एक और एग्जांपल देख लेते हैं, लास्ट एग्जांपल ये हमारा रहेगा। परसेंटेज एजेस ऑफ अनु एंड राज आर इन द रेशो ऑफ 4:5, 8 years फ्रॉम नाउ द रेशो ऑफ देयर एजेस विल बी 5:6, फाइंड द प्रेजेंट एजेस। आपसे कहा अनु और राज की जो अभी की जो एज है
उस एज में उनका रेशो 4 और 5 का है, और 8 साल बाद जो है ना उनकी आयु जो है उनका जो रेशो हो जाएगा 5 और 6 का हो जाएगा। तो आपसे पूछा है कि बताइए, मैंने आपसे कहा था कि जब भी रेशो की बात होती है आप एक्स लगा लीजिए। तो अन्नु की एज मान लीजिए 4x, ठीक है, और राज की एज क्या मान लीजिए 5x। आपसे कहा है बेटा 8 साल बाद, देखिए 8 साल बाद का मतलब है 8 साल और, है ना। तो अगर अन्नु की एज अभी 4x है तो 8 साल बाद कितनी हो जाएगी 4x+8, और राज की एज कितनी हो जाएगी 5x+8, और इन दोनों का रेशो कितना हो जाएगा, रेशो का मतलब क्या होता है, अपॉन में लिखना, तो 4x+8 अपॉन में 5x+8। और आपसे कहा है कि 8 साल बाद जो इनका रेशो है ना एज का वो कितना हो जाएगा 5/6 यानी कि 5/6। तो इस तरह से ये आपकी इक्वेशन बन जाएगी। अब इस इक्वेशन को तो आप सॉल्व कर ही सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, 6 को इधर गुणा कीजिए, 5 को इधर गुणा कीजिए, तो आंसर क्या आ जाएगा, 6 4 = 24, 6 8 = 48, 5 5 = 25, 5 8 = 40। अब एक्स एक्स एक तरफ कीजिए, ठीक है, और बिना एक्स वाली डिजिट्स हैं उनको एक तरफ कीजिए। जब आप ऐसा करेंगे तो आ जाएगा x = 8 आया। तो आप देखिए, आपने अनु की एज 4x मान रखी थी, तो 4 × x यानी 8 कीजिए, तो अनु की एज कितनी है 32, राज की एज कितनी होगी 5x यानी 5 × 8 यानी 40 ईयर्स। तो इस तरह से बेटा अगर आप क्वेश्चन अच्छे से पढ़ते हैं तो इनके आंसर्स करने में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो अभी आप क्या करेंगे, इन्हें अच्छे से समझेंगे और इन्हें CW नोटबुक के अंदर लिखेंगे। क्लियर है, इसके आगे के एग्जांपल्स हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे। थैंक यू।